कहते हैं कि ज्ञान के बिना मनुष्य अधूरा, यानी शिक्षा होना मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। अज्ञानी व्यक्ति कभी भी खूंखार हो सकता है। यही हुआ गुरु नानक देव के साथ, जब उनका सामना एक जंगल में रहने वाले भील से हुआ। उस भील का नाम था कोडा भील। दोस्तों, ये घटना आंध्र प्रदेश खंड के विजयवाड़ा से 70 किलोमीटर दूर एक गाँव की है, जहाँ गुरु नानक और कोडा भील का आमना सामना हुआ। कोडा भील एक शिकारी था जिनका खोप चारों ओर फैला हुआ था। जिनकी खबर गुरु नानक देव को लगी, गुरु नानक देव ने कोडा भील से मिलने का फैसला किया, किंतु कोई उसके साथ जाने को तैयार नहीं था। दोस्तों, पौराणिक कथाओं में भले ही कोडा भील को एक राक्षस के रूप में प्रदर्शित किया हो, किंतु सच्चाई कुछ और है जो गुरु नानक देव जी ही जानते थे। फिर दो शिष्य गुरु नानक देव के साथ जाने को तैयार हुए। गुरु नानक देव जब कोडा भील के पास पहुंचे तो कोडा भील ने तीनों को रस्सी से बांध दिया और गुरु नानक देव को जलती हुई आग की भट्टी में धकेल दिया। तब तक गुरु नानक देव चुप थे, किंतु आग गुरु नानक देव का कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो कोडा भील ने तेल को गर्म करना शुरू किया, किंतु तेल गर्म ही नहीं हो रहा था तो कोडा भील सोच में पड़ गया। फिर गुरु नानक देव ने कोडा भील को उपदेश दिया, कोडा भील को सच्चाई से रूबरू कराया। तब कोडा भील गुरु नानक देव का शिष्य सिख कोडा भील बना। तो दोस्तों, ये थी कोडा भील और गुरु नानक देव की कहानी। जो आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना, और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को कर लीजिए।